यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सुपर कॉप से नेता बनने जा रहे राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल लखनऊ की सरोजनी नगर हॉट सीट बन गई थी। यहां से मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से वर्तमान में विधायक भी हैं, वहीं दयाशंकर सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चे के इंचार्ज भी हैं। अब इसमें बीजेपी के सामने दिक्कत ये थी कि दोनों ही पति और पत्नी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट दोनों को नहीं बल्कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मिल गया। बहुत अच्छी सूची आई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे उम्मीदवारों को जो है चयन किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार हम लोग यहाँ पर 9 में से 8 सीटें जीते थे, इस बार 9 के 9 सीटें जीतेंगे। ये टिकट पार्टी किसको लड़ाए, ये पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, हर परिस्थितियों के और आकलन करके वर्तमान में क्या सबसे अच्छा हो सकता है, इस पर पार्टी जो है निर्णय करती है। राजेश्वर सिंह का 1997 बैच में पीपीएस अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। राजेश्वर सिंह अधिकारी के तौर पर 24 साल तक पुलिस महकमे में कार्यरत रहे। जब तक इन्होंने सीओ की जिम्मेदारी संभाली, इन्हें लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे। 2009 में राजेश्वर सिंह ईडी में चले गए। इनका रिटायरमेंट होने में अभी 11 साल शेष था। राजेश्वर सिंह जिन महत्वपूर्ण मामलों की जांच में शामिल रहे, उसमें 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरटेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पोंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला समेत अन्य घोटाला शामिल है। राजेश्वर सिंह की छवि ईमानदार अधिकारियों में होती है। उन्होंने नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों, माफियाओं पर शिकंजा कसकर अवैध तरीके से कमाई 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी को जब्त करवाया है। प्रवर्तन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह की वीआरएस मंजूर के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट दे दिया। राजेश्वर सिंह जिस सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लखनऊ की वो विधानसभा सीट है जिसमें ग्रामीण और शहरी वोटर दोनों हैं। लखनऊ एयरपोर्ट इसी विधानसभा में आता है। सरोजनी नगर सीट में दलित वोट बैंक भले सर्वाधिक हों, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह की दावेदारी को भी बिना किसी नाराजगी के किनारे कर दिया। पार्टी ने स्वाति सिंह के विरोध को देखते हुए ही उनका टिकट काटा, लेकिन पत्नी की जगह दावेदारी कर रहे पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट नहीं दिया। दोनों पति पत्नी के बीच चल रही टिकट पाने की रेस में पार्टी ने तीसरे ताकतवर उम्मीदवार राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया।